चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर, अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में बड़ा हादसा हुआ है। सिंग गांव के पास सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। सिंगिंग गांव के पास सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ये एक राहत की खबर है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना अब तक नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ के सिंगिंग गांव के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। ये जगह टूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर की दूर स्थित है। हेलीकॉप्टर में कितने लोग थे अभी इसकी फिलहाल स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। गुवाहाटी डिफेंस पीआरओ के मुताबिक आर्मी का हेलीकॉप्टर टूटिंग से 25 किलोमीटर दूर सिंगिंग गांव के पास क्रैश हुआ है। जहां ये हादसा हुआ वो सड़क मार्ग से कनेक्टेड नहीं है। हालांकि रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि सेना का हेलीकॉप्टर रुद्र क्रैश हुआ है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। रुद्र सेना का अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय सेना के लिए बनाया है। तो अरुणाचल प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। सियांग जिले में ये बड़ा हादसा हुआ है। सियांग जिले के सिंगिंग गांव के पास सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आ पाई है, लेकिन कितने लोग सवार थे साथ ही ये भी जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ। सिंगिंग गांव के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि जो है टूटिंग हेडक्वार्टर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूर स्थित ये गांव जहां पर ये हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे इसकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं सामने आई है। गुवाहाटी डिफेंस पीआरओ ने जरूर ये बताया है कि आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है टूटिंग से 25 किलोमीटर की दूरी पर सिंगिंग गांव के पास क्रैश हुआ। जहां हादसा हुआ वो सड़क मार्ग से कनेक्टेड नहीं है। तो काफी जो है सेना को अगर कह सकते हैं काफी मुश्किल यहां पर हो सकती है जब वो वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि रेस्क्यू टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है।